तो भाई दोनों में 20 इंच एलॉय डले हुए हैं भाई। एक गाड़ी अपने है राजस्थान से और एक है भाई एचआर 26। ये चेक करो, इसमें पूरा इंटीरियर रहने वाला है, बढ़िया सनरूफ लगी हुई है, लीकेज वगैरह कुछ भी नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। रात की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। आज आपको दिखाने वाले हैं भाई दो स्विफ्ट और जो कि भाई पूरी डिट्टो जुड़वा रहने वाली है। तो भाई साहब ये चेक करो, तो आज की वीडियो हमारे साथ है भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। तो भाई कहाँ से हो? राजस्थान। बिल्कुल। तो भाई एक गाड़ी अपने है राजस्थान से और एक है भाई एचआर 26। तो भाई देख के तुम पहचान चुके हो कौन सी गाड़ी है। तो ये हमारे रवीश भाई की। रवीश भाई कैसे हो? तो भाई ये तो दोनों जुड़वा हो गई है ना। तो भाई दोनों गाड़ी बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस अलॉय का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो चुका है क्योंकि रवीश भाई ने अपने कल अलॉय करा दिए चेंज, है ना। बस थोड़ी थोड़ी माइनर चीज़ें चेंजेस है ना भाई? हाँ भाई, तो वो है पूरी स्पोर्ट्स और ये भाई जो अपनी नॉर्मल आती है वो है ना, क्योंकि इसमें भाई अपने बम्पर वगैरह सब चीज़ चेंज है। तो भाई कौन से ईयर का है ये? अभी ली है इसको, 6-7 महीने हुए हैं। 6-7 महीने हुए हैं। और ये एल एक्स आई है वी एक्स आई है? VXI रहने वाली है। और भाई तुम्हारी तो VXI है ना VXI। भाई मैं ना भूल गया क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कर गया था, याद नहीं रही। तो ये भी VXI है और ये भी VXI है ना। तो भाई मतलब क्या सोचो, बिल्कुल डिट्टो सेम करनी है? कैसे सेम ही है ना। देखो भाई अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना, ये देखो इसने किस पे भी छप रहा है और उस पे भी छप रहा है, अगर साइड से कोई देखेगा तो कहेगा रवीश भाई की गाड़ी खड़ी है ना। तो भाई ये देख सकते हो, अगर मैं दिखाना चाहूँ आप सभी को तो उसमें भाई अपनी हेडलाइट दूसरी है, इसमें वॉलमैक्स वाली रहने वाली है। और सामने इसके अंदर अगर दिखाना चाहूँ तो उसमें बम्पर स्पोर्ट्स वाला है, इसमें बिल्कुल सिंपल है जो है ना। अगर बात करूँ तो नीचे अपने आईपीएच इसमें भी लगे हुए हैं और उसमें लेजर है, इसमें भी लेजर। अरे है भाई, मतलब बिल्कुल डिट्टो सेम हो गई। ये तो लेजर पूरी ऐसे दिखती होगी, मस्त लगती है वो, है ना भाई? तो ये देख सकते हो बाहर से यार बहुत ही अच्छी लग रही है, सामने से अगर देखा जाए। सनरूफ भी है इसमें भाई, और भाई अपने रवीश भाई की में है सनरूफ भी, आप देख सकते हो भाई ये री। ये देखो भाई, तो भाई ये देख सकते हो अगर मैं आना चाहूँ साइड की तरफ तो भाई दोनों में 20 इंच एलॉय डले हुए हैं। पहले इसके इस वाली गाड़ी के अंदर ये वाले थे, मतलब ये वाला डिजाइन, ये भी भाई ने नए डलवाए हैं ना। हाँ। तो रवीश भाई कैसे प्लान आ गया चेंज करने का? ऐसे बस भाई ऐसे, मतलब कुछ जब हाँ। गए थे तो ये नहीं सोचा कि चलो 22 डलवा के देखते हैं, इस बार डलवाए थे आए नहीं? आई नहीं, स्पेशल लग के आ रहे थे। हाँ। तो भाई क्योंकि इसमें लगते हैं 4 नट वाले, 5 नट वाले आ रहे थे तो उसमें स्पेशल लग के फिर लगते और फिर बहुत ज़्यादा बेकार लगती है ना, बाहर हो जाते बहुत ज़्यादा। तो कितने के पड़े हैं रवीश भाई, आप चेंज कराए अपने अलॉय ये? भाई एक 1.5 के आसपास पड़े हैं। 1.5 के आसपास। और इसकी प्रोफाइल में अगर तुम्हें दिखाऊं 225-35 होगी। हाँ ये री भाई 225-35-20 और इसकी प्रोफाइल है 225-35-20। तो दोनों गाड़ी एक साथ ही गई थी क्या डलने? अलग दोनों एक साथ गई थी, एक और गई थी डिजायर। अच्छा अच्छा, मतलब इसके अलॉय उसमें चले गए। अच्छा तो और भाई देख सकते हो, और इधर टेपिंग भी करवा दी भाई ने जो चमक रही है ना। हाँ। अभी भाई अभी आ रहे थे ना तो रोशनी पड़ रही थी इसमें पूरी तेज और भाई बढ़िया रिफ्लेक्ट कर रहे थे ये ना, जैसे आप देख सकते हो हल्का हल्का रेनबो शेड अब भी आ रहा है इनके ऊपर। तो इनपे नहीं करा रवीश भाई अभी? कल ही डलवाए, अभी करेंगे। कैरिज पे कुछ अलग करेंगे? सेम ही करेंगे, सेम ही। हाँ, और इसमें तो देख सकते हो भाई ये इसमें पूरा इधर ये थोड़ा डीप है अलॉय और वो थोड़ा शेड पैटर्न में है। तो भाई ये क्या एवरेज दे रही है आपकी गाड़ी अब? भाई अभी तो 12-13 दे रही है। 12-13। और भाई तुम्हारी? 5-6। ये भी 5-6 ही देगी अभी थोड़ी देर में, है ना।
क्योंकि एक तो भाई रवीश भाई पूरी खेचम खेच भगाते है ना इसे, इसलिए एवरेज कम है। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इस पे भी स्नेक वाला डिजाइन है और उस पे भी उस तरफ ही है। तो भाई मतलब पूरी गाड़ी अगर दिखाना चाहूँ तो भाई पूरी डिट्टो सेम है। पीछे से अगर बात करूँ पीछे भी ऑलमोस्ट सेम है, आप देख सकते हो स्पॉइलर वगैरह लग के, अपनी टेल लाइट वगैरह लग के, बस बम्पर का फर्क है दोनों में। तो भाई ये नहीं आया कि स्पोर्ट्स किट डलवाऊँ इसमें, 10-15 दिन बाद। अच्छा मतलब 10-15 दिन बाद सारा काम हो लेगा, मतलब डिट्टो सनरूफ वनरूफ लगा के। तो भाई ये चीज़ देखो, और भाई पूरी नई गाड़ी पूरी चमचमाती साइन मार रही है बढ़िया। तो भाई विशाल नाम है क्या आपका? तो इधर भाई ने विशाल लिखवा दिया बढ़िया। और ये वाली ग्रिल भाई अच्छी लगती है, आप देख रहे हो ना, तो ये भी अच्छी लग रही है। बाहर से पूरी ये है सेम, और अंदर से भी सेम है क्या? नहीं अंदर से नहीं, अंदर से थोड़ा बहुत। अगर मैं इसका इंटीरियर दिखाना चाहूँ आप सभी को, तो भाई इसका इंटीरियर कुछ जिस तरीके से रहने वाला है ये देख सकते हो। अभी बेसिक है अंदर से, बिल्कुल सिस्टम वगैरह काम अभी होगा जैसे भाई बता रहे हैं। और किसी ने भाई अगर इस वाली गाड़ी की वीडियो देखी तो वो भी जाके देख लेना, इसमें मैं दिखाता हूँ। तो भाई ये चेक करो, इसमें पूरा इंटीरियर रहने वाला है बढ़िया, सनरूफ लगी हुई है, लीकेज वगैरह कुछ भी नहीं है। पिछली वाली वीडियोस में हमने खूब क्वेश्चन वगैरह करे हैं। इधर अपनी मोको की मिड हो गई, नीचे अपने भाई क्या थे मैं तो भूल भी गया, वो ये पाइनर के मिड रेंज कंपोनेंट थे, कंपोनेंट और पीछे भी है ना, पीछे जीटी सीरीज है। हाँ पीछे जीटी सीरीज। और ये हो गया भाई अपना स्टीरियो, ये भाई ने जो ग्लोसी फ्रेम वगैरह आता है ये सब इस पे, अच्छा ये देखो पहले व्हाइट थी क्या जो मैं करना था, ये पूरी व्हाइट थी, अब ये ब्लैक कर दी पूरी। तो ये नहीं सोचा कि हैंडल भी कर देता हूँ ब्लैक, वो फिर ज्यादा हो जाता ब्लैक। ये तो है। तो भाई ये देखो इस तरीके से पूरा इसका इंटीरियर है। आउटपुट वगैरह मैंने उसी वीडियो में सुनाया हुआ है, या अगर क्या है तो दोबारा सुनाता हूँ आप सभी को। और वूफर की बात करूँ तो इसके अंदर जो वूफर आता है वो है भाई अपने ये नाकामिची 900 RMS। और पाइनर के भाई ये चैंपियन सीरीज के ओवल लगे हुए हैं, इधर भाई 2150 लगे हुए हैं। तो रमेश भाई दोबारा सुना दूँ क्या आउटपुट? चलो भाई दोबारा आपको आउटपुट सुनाता हूँ, थोड़ा गेट वेट खोल के बढ़िया से। ये है पूरा सिस्टम अपना, और भाई पूरी वीडियो मैंने डाली हुई है अगर तुम्हें दिखाना चाहूँ तो। भाई ये रही वीडियो कहाँ गई, अरे आजा ये रही भाई, तो जाके भाई देख लेना फटाफट से, बहुत बढ़िया वीडियो मस्त बनाई है पूरी मेहनत करके। तो भाई ये है पूरी टोटल ओवरऑल वीडियो। तो भाई अपना इंस्टाग्राम बता दो एक बार, रवीश9836। तो भाई इन भाई का पूछ लो, भाई इधर आओ, इंस्टाग्राम किस नाम से रहने वाला है आपका? विशाल1954। तो भाई जाके भाई को फॉलो कर लेना, भाई को फॉलो कर लेना। ये है आज की टोटल ओवरऑल वीडियो, यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।